वेलकम टू ब्लूमिंग लॉज एकेडमी क्लास 8 हिंदी लेक्चर 3 स्टार्ट नाउ वर्ड विचार। हम पिछले वीडियो में वर्ड विचार पढ़ रहे थे। वर्ड विचार में हम वर्णमाला और वर्ड पढ़े थे। आज हम वर्ड के भेद पढ़ेंगे। वर्ड के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर को हम एक और नाम से कह सकते हैं जिसका नाम है स्वतंत्र। यानी कहने का मतलब होता है स्वर हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यानी स्वर जो होता है उसे किसी अन्य ध्वनि या अक्षर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए स्वर को हम स्वतंत्र कह सकते हैं और व्यंजन को हम परतंत्र कह सकते हैं। क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते हैं, यानी व्यंजन बोलने के लिए किसी अन्य अक्षर की जरूरत होती है, इसलिए व्यंजन को हम परतंत्र कहते हैं। यानी तर देखा जाए तो स्वर को स्वतंत्र और व्यंजन को परतंत्र भी कह सकते हैं। यानी स्वर क्या है, यानी जिन ध्वनियों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों या अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर यानी हिंदी में स्वरों की संख्या, या मैं डिनोट करता गया हूँ, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और इन्हीं 11 आधारों पे यानी उच्चारण के आधार पे देखा जाए तो स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में, यानी पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का कोई अक्षर नहीं होता है, लेकिन बोलने में यानी प्लुत स्वर का उपयोग हम संस्कृत में करते हैं, प्रायः हिंदी में इसका बहुत ही कम होता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं में प्लुत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हम आपको बाद बताएंगे। पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के बहुत कई नाम होते हैं जिन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इस तरह देखा जाए ह्रस्व स्वर को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, मूल स्वर। यानी देखा जाए तो स्वर का कई नाम हो गया, मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, यानी जिनके यानी उच्चारण के आधार पर हम देख रहे हैं कि स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व देखा जाए, ह्रस्व की परिभाषा क्या होती है, यानी जिन स्वरों को बोलने में हमें बहुत ही थोड़े समय की आवश्यकता है, यानी कम ही समय में हम उस वर्ण स्वर का उच्चारण कर लेते हैं तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिसके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यानी जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और रे। यही हमारे 4 क्या है, ह्रस्व स्वर है। देखा जाए दीर्घ स्वर क्या है, यानी वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर को हम गुरु भी कहते हैं, या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर का अन्य नाम भी है दीर्घ या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। 7 कौन 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 सी होती है, देखा जाए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी यही 7 क्या है, दीर्घ स्वर है। जो अगला स्वर है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में कोई नहीं होता, एक चिन्ह होता है
हिंदी के अंक तीन की तरह या अंग्रेजी के यश की तरह होता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में तीन गुना समय लगता हो, यानी दीर्घ का भी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, उसे हम प्लूस स्वर कहते हैं। इसका उपयोग जैसे किसी शब्द को लंबे समय तक खींचने में किया जा सकता है। जैसे हम ओम शब्द है देखा जाए, ओम या ओम ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा मिलता है, यानी दोनों अच्छा हम कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं ओम। यानी बोलने में जैसे इसका लंबे समय तक जब उच्चारण करते हैं तो वही चरप्लू स्वर हो जाता है। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा मैंने अभी बताया था कि यानी जो स्वरों की शैली है, वर्ण या अक्षर जो व्यंजनों की स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, यानी उच्चार। अब यहाँ भी हम देखेंगे जो 33 है तो उसे कैसे बांटा गया है, मैंने तीन खाने बनाए, यानी उच्चारण के आधार पे, यानी ये उच्चारण के वर्ण का जो भेद किया जा रहा है स्वर और व्यंजन का, वह उच्चारण के आधार पे किया जा रहा है। यानी उच्चारण के आधार पे स्वर के तीन भेद बताए गए हैं और व्यंजन के भी तीन भेद हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन का पहला जो डिवीजन किया गया है स्पर्श व्यंजन। इसका अन्य नाम भी होता है वर्गीय व्यंजन। क्यों स्पर्श व्यंजन कहा गया, क्यों वर्गीय व्यंजन कहा, वो जाने। चूंकि क से लेकर म तक, यानी जो हम व्यंजन क से और म तक व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक जो क से लेकर म तक है उन्हें पांच पांच वर्णों में विभक्त किया है, यानी क से लेकर अंग तक एक लाइन में एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं क वर्ग। यानी क से म तक के अक्षर को पांच वर्गों में बांटा गया है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी इस पांच वर्ग के आधार पे ही इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है कि इन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण हमारे मुख के अंतर्गत जब उच्चारण किया जाता है तो जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा की जो अग्र भाग है और मुख के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, और इसी जिह्वा के स्पर्श के कारण इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। ठीक, तो देखा जाए, ये जाना जाए कि कहाँ कहाँ स्पर्श करती है और इनका स्थान क्या है। तो यानी क वर्ग है, यानी क का ऐसे जनरल भी हम लंबे समय तक याद करने के लिए कहते हैं कि हिंदी में कोई प्रयोग नहीं होता है, लेकिन होता है। मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल की तरह करिए, जैसे बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया जाता है, आप भी यहाँ प्रैक्टिकल करिए। जैसे यहाँ हिंदी का जो प्रैक्टिकल है वो बोलना है, आप जितना ही बोलते हैं आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, आपके अक्षरों पे या शब्दों पे कमांड बढ़ेगा। जैसे हम इसको बोल के जाने, हम उच्चारण करते हैं जैसे क क ग ग अंग, यानी हम बोल रहे हैं तो जो हमें ध्वनियाँ निकल कहाँ रही है, यानी गले में निकल रही है, गले से निकल रही है, यानी इनका जो उच्चारण हो रहा है वह गले में हो रहा है, यानी कंठ में हो रहा है। यानी जो क वर्ग है वह कंठ वर्ग है, यानी जिनका उच्चारण हमारा कंठ में हो रहा है। आगे देखते हैं, यानी आप कहेंगे कि मैंने जीवा का अग्रभाग, यहाँ जीवा का अग्रभाग मैंने जीवा का पश्च हो, क्योंकि वो जीवा ही है, जीवा का अग्र हो, पश्च हो या मध्य हो, तो यानी जीवा के पश्च भाग यहाँ टच हो रहा गले में, यानी कंठ में, इसलिए क वर्ग को कंठ वर्ग कहते हैं। च वर्ग देखा जाए, यदि च को देखा जाए, च छ ज झ य, यानी देखा जाए तो जो जीवा का अग्र भाग है वो हमारे तालु को टच कर रहे, इसलिए च को हम तालव्य कहते हैं। यानी इनका जो जीवा जिस स्थान को मुख के अंदर छू रही वो तालु है, इसलिए इन्हें हम तालव्य वर्ण कहते हैं। यानी इसको हमने कह दिया कंठ वर्ण,
कंठ वर इसे कह दिया हमने ताला व्यवहार। देखिए जो चीज मैं ये बता रहा हूँ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जानने के लिए अगली कक्षाओं में आपको अभी मिले तो यहाँ जान लेंगे तो आपको अगली कक्षाओं के लिए सुविधा होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो टवर यानी हम जान के टवर कंठ होता है, चवर तालव्य होता है। मैं ऐसे भी सीधे सीधे बता देता कि टवर मूर्धन्य होता है, टवर दंत होता है, कवर ओष्ठ होता है, लेकिन हम बोल के एक बार देखें फिर आगे हमको इसकी दिक्कतें नहीं होगी कि कौन सा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। यानी टवर देखते हैं जब ट ठ ड ढ यानी बोलते हैं तो बोलते समय हमें ये देखना है कि हमारी जीवा कैसे हो रही है, देख रहे हैं कि हमारी जो जीवा है वह तालु को स्पर्श कर रही है लेकिन वो हमारी जीवा का जो अग्र भाग है उलट जा रही है, यानी जीवा का निचला हिस्सा तालु को टच कर रहा है, इसलिए से हम मूर्धा कहते हैं उस स्थान को। और इस मूर्धा को टच करते ही इस वर्ण को हम मूर्धन्य वर्ण कहने लगते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं मूर्धन्य मूर्धन्य वर्ण। तो वर्ग देखा जाए यानी तो वर्ग को तो थ द ध न, यानी जब हम तो वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा का अग्र भाग है वह दांत को स्पर्श करने लगता है। हम कैसे पढ़ते हैं ये नहीं है, लेकिन जो हिंदी व्याकरण कर्ता माने जा रहे जैसे कामता प्रसाद गुरु हैं, अच्छा हरदेव बाहरी हैं, बहुत सारे मतलब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, उनकी पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप बचपन में अध्यापक ने आपको कैसे पढ़ाया, ऐसे नहीं है। मान हो सकता है कि बचपन में आपको अध्यापक ने सही न बताया हो, लेकिन आगे चल के हमें ऐसा नहीं लगता है कि गलतियों को बार बार दोहराना चाहिए, जब सुधरने का मौका मिले उन गलतियों को सुधार लेना चाहिए। तो यहाँ हम अब जो आप तक इससे पहले आप इसके बारे में न जानते थे, लेकिन यहाँ जानना है कि हमको शुद्ध उच्चारण करना है कि जो वर्ड है उनका हम उच्चारण किस रूप में करें। तो यानी जो त है जब हम त का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा का अगर भाग हमारे दांतों को टच कर रही है, यानी त त द ध न। तो यह इसलिए से यह जो उच्चारण स्थान है वह दंत है, इसलिए से हम दंत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दंत वर्ग। प वर्ग देखा जाए यानी प को उच्चारण करके देखते हैं तो प प ब भ म, यानी उच्चारण करते हैं तो जो हमारे जो दोनों ओठ हैं आपस में क्या कर रहे हैं चिपक रहे हैं सट रहे हैं, तो यानी प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ चिपक रहे हैं, तीसरे इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण ओष्ठ कहते हैं। यानी इस तरह देखा जाए जो पांच वर्ण हैं पांच वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का अपना अपना स्पर्श स्थान है। यानी क का जो स्पर्श स्थान है कंठ है, इसलिए कंठ वर्ग। च वर्ग है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है तालु है, इसको हम तालव्य कहते हैं। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो वर्ग है जिसका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए दंत वर्ण कहते हैं। और प वर्ग है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी इसमें कुल देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण और इस तरह पांच वर्ग हैं तो पांच पच्चीस पच्चीस, यानी स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ग है। यानी किसी भी परीक्षाओं में यदि वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछे जा सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं, तो आप कहिएगा 25। कहते हैं कि कभी कभी पूछता है वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो यानी कहिएगा क च ट त प वर्ग, यानी जो स्पर्श व्यंजन को हम जब वर्गों में बांटते हैं तो उसे ही हम वर्गीय व्यंजन। कभी पूछ देगा वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वही आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं। बात है अंतःस्थ या जिसको अर्ध स्वर कहते हैं, यानी कहने का मतलब अंतःस्थ, अंतःस्थ का मतलब जो न तो पूरा स्वरी है और ना ही व्यंजन है, दोनों के बीच में, इसलिए अंतःस्थ। अंत हम
ने अंत और अस्त में स्थित है, यानी दोनों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है, या इसे अर्ध स्वर, अर्ध माने आधा स्वर, जो आधा स्वर है, यानी यह व्यंजन क्या है, आधा स्वर की तरह दिख रहा है, इसलिए अर्ध। इसके और भी नाम है, लेकिन आपकी इस कक्षा में नहीं, समय को देखते हुए जितना आपको है अगली कक्षाओं में भी आपको पूरा बताया जाएगा। यानी अंत अस्त में चार वर्ण होते हैं, यानी य, र, ल और व। उष्म व्यंजन क्या है, जिन ध्वनियों को बोलने में, यानी जो ध्वनि निकलती है वो मुख में रगड़ करते हुए बाहर निकलती है, और जो हवा बाहर निकलती है वह गर्म होकर निकलती है, तो उसे ही उष्म माने क्या होता है, गर्म, यानी गर्मी, यानी हवा जब मुंह से बाहर निकलती है तो गर्म होकर जब बाहर निकलती है तो उसे ही उष्म व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजनों की संख्या हमारी चार होती है, यानी स, स, श, अ, ठीक है, तो ये हमारे चार होते हैं। यदि देखा जाए तो य और स तालव्य होता है, र स मूर्धन्य होता है, ल स दंत होता है, ह विसर्ग होता है, क्योंकि हकार होता है, अ हम पढ़ते हैं, जब विसर्ग पढ़ते हैं ह, हकार के ध्वनि होते हैं, इसलिए ह, यानी ह यदि देखा जाए तो यहाँ कंठ वर्ण में आता है, जैसे क, क, ह भी बोलेंगे तो हकार आता है, यानी वो कंठ में होता है, और ये हमारा वह होता है, दंत ओष्ठ होता है, ठीक। इसके अलावा भी मैंने कल आपको वर्णमाला में बताया था 52 वर्ण होते हैं, यानी 52 अक्षर होते हैं, 11 और 33 44 हुए, यानी यही सही है कि वर्ण में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 44 होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ होते हैं बता दें। तो अगला जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन क्या है, यानी दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नए वर्ण को बनाते हैं, यानी दो दो व्यंजनों के संयोग से मिलने वाला एक बनने वाला अन्य जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए छ है, छ देखेंगे दो व्यंजन ध्वनियों से बना है, क और स से। जो त्र है, त्र देखेंगे तो भी, त्र भी दो व्यंजन ध्वनियों से मिला है, त और र से। क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने इससे, यह स्वर रहित है, स्वर रहित है इसलिए पढ़ नहीं सकते, लेकिन बताने के लिए इसको हमको बताना है। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ण के नीचे यदि एक नीचे एक लकीर लगती है जिसको हम हलंत कहते हैं, हलंत यह डिनोट करता है कि जिस वर्ण के नीचे यह हलंत लगा होता है उससे स्वर निकल जाता है, सिर्फ व्यंजन है। और व्यंजन की परिभाषा मैंने बताया कि बिना स्वरों के ये पढ़े नहीं जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से मैंने स्वर निकाल दिया तो पढ़े नहीं, लेकिन बताने के लिए कहा पढ़ा जाता है। तो इसमें ना भ्रम में रहिए कि स्वर आपने बताया कि व्यंजन बिना स्वरों के पढ़े नहीं जाते, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बताने के लिए जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अभी इसका और एक फॉर्म लिखा जा सकता है, मैं अभी बताऊंगा। तो दो व्यंजन ध्वनियों से मिला है, त और र से। जो ज्ञ है वह ज और इय से मिलकर बना है, और स्र है स और भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि में इनकी मान्यता है, यानी जो 52 वर्ण है उनमें इनकी मान्यता, अन्य भी है। एक और भी जो होता है, हम यह धर्म पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है द और यह, यानी विद्यालय में इसका उपयोग करते हैं, या विद्या में इसका मतलब होता है यही विद्या। एक और व्यंजन होता है, ये चार हो गए, इसके अलावा और चार होते हैं। देखा जाए तो दो उत्क्षिप्त मैंने कल बताया था, उत्क्षिप्त या जिसको आपके कोर्स में लिखा है अतिरिक्त व्यंजन, वह ड और ढ, यानी जो त वर्ग है उसका जो यह ड और ढ है, इसी के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो यही हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन बनता है। तो यानी ये चार दो ये बन गया, दो स्वरों से भी होता है जिसको हम अयोगवाह कहते हैं, यानी जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, यानी जिनको दो अयोगवाह में
वाह होता है जिसमें अंग और अ होता है। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और अ को हम विसर्ग कहते हैं। इस तरह देखा जाए कुल मिलाकर वर्णमाला के ये 52 अच्छा जो वर्ण हैं बनते हैं। द्वित व्यंजन देखा जाए, जब दो समान व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो वह द्वित व्यंजन का निर्माण करती हैं। जिस जैसे हम कह दें क है, फिर क से क मिल जाता है तो यानी यह कप हो जाता है, यानी यही समान ध्वनि है, यानी यह आधा का है पूरा गया है। जब यही दो समान ध्वनि आपस में मिलते हैं इनसे बनने वाले जो अक्षर होते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए तो मान क है, यानी इसको हम लिख दे पक्का ऐसे, जैसे कुत्ता कुत्ता ऐसे भी होता है और कुत्ता ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कभी ऐसे फर्क में लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या लिखा है, तो उसका मतलब इस चीज का मतलब होता है कि यही ध्वनि को आधा करके लिखा जाता है। तो आज तक आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो इसका और भी पोर्शन बचा है वह हम पढ़ेंगे। थैंक यू।